दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए प्रोग्राम में। मैं आपका होस्ट का दोस्त चला अखिल चौधरी। तो गाइस, आज आए हैं पूरे भर भर के अपडेट फूड टेक के रिलेटेड। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला अपडेट आता है हमारा कोका कोला की तरफ से। तो गाइस, कोका कोला ने क्या करा है कि मान लिया कि वो अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेगी अपनी वेंडिंग मशीन में कोई भी चीज को लेने के लिए, मतलब कोका कोक को लेने के लिए। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी मतलब ये हमने बिटकॉइन सुने होंगे, अपने पिछले 2018 और 19 में बहुत ज्यादा सुने थे बिटकॉइंस बड़े बढ़ रही हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब वेंडिंग मशीन से कोई भी चीज लेके आनी हो तो अब बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ है अभी बस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, अब इंडिया में तो बिटकॉइन बैन ही है। अगला अपडेट आता गाइस हमारा इको बाउल के रिलेटेड। गाइस, इको बाउल को दो कंपनियों ने मिलकर बनाया, मतलब एक थी हमारी डीएस स्मिथ और दूसरी थी मल्टीवैक। इन्होंने कहा है कि करीब हम 85% रिसाइकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने इको बाउल बनाया है। तो इनका मेन मिशन यही है कि कैसे हम प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सकें और जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है ट्रेस का, उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। तो गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा डेयरी सेक्टर को लेके। गाइस, डेयरी सेक्टर ड्यूरिंग COVID-19 बहुत ही ज़्यादा डैमेज या बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आ चुका है। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन लगभग हम कह सकते हैं एक स्टडी के अनुसार डेयरी इंडस्ट्री को कम से कम 15-20% का लॉस हुआ है। और उनका कहना था कि मेनली अर्निंग उन्होंने फार्मर से होती थी, मतलब कि 15-60% अर्निंग फार्मर से होती थी क्योंकि फार्मर ही ज़्यादातर दूध के प्रोडक्शन करते हैं और लोकल में वो सेल कर देते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं नुक्कड़ पे चाय की दुकान है, बर्फी की दुकान है, हलवाई की दुकान है और मैरिज पैसों में इनका सारा दूध इस्तेमाल हो जाता था। अब लॉकडाउन चल रहा था, वो ये चीज़ें कुछ भी नहीं चल रही थी, सब कुछ बंद था और इसकी वजह से वो पूरा ठप हो चुका है वो काम। तो अमूल के MD ने कहा है उन्हें कम से कम 80% तक डीप में उनकी वो पहुंच चुकी है, प्रॉफिट जिसे कहते हैं ना हम, डेप्थ में हो चुके हैं। 80% शेयर्स उसकी कम हो गई है पनीर की, 50% कम हो गया है आइसक्रीम की और बाकी बचे हुए प्रोडक्ट जैसे मिल्क प्रोडक्ट है उनकी कम से कम 40% की डिक्रीज हो चुकी है उनकी सेल्स में। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ड्यूरिंग लॉकडाउन से। तो गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट ने जो शुरुआत के दिनों में करे गए 20 दिन लॉकडाउन, क्या आपको क्या लगता है वो सही थे या गलत थे, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, अगला अपडेट आता हमारा प्लांट बेस्ड फंक्शनल फूड को लेकर। गाइस, प्लांट बेस्ड फंक्शनल फूड वो फूड होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अप करते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, टोमेटो हो गया और बहुत से ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनिच हो गई। तो आजकल आपको पता ही होगा कि मीट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ठप हो चुकी है, जो नॉन वेज भी खाते थे अब वो वेज खाने लगे अपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और COVID-19 के डर से। तो उनका मानना ऐसा था कि ये जो फंक्शनल फूड है ऐसे जो वेजिटेरियन जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं वो अब वो उनकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और मीट प्रोडक्ट की डिक्रीज होने वाली है। तो गाइस, मैं सोच रहा था कि मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं कि कैसे मीट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद कैसे वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी चल रही है। अगर गाइस आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं कि मीट इंडस्ट्री कैसे लॉस में चल रही है, किन कारणों की वजह से चल रही है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा COVID-19 के रिलेटेड। गाइस, फिर से COVID-19 के रिलेटेड आपको मैंने बताया था कैसे मिल और बेकरी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आ चुकी है। तो इस वक्त बेकरी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि उनके पीक सीजन था ये अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए, अब वो पीक सीजन में नुकसान ले रहे हैं। तो सोचिए जब उनका पीक सीजन नहीं होता तब वो कितना नुकसान लेंगे। तो इस वक्त बेकरी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके ज़्यादातर पेरिशल प्रोडक्ट होते थे, अब बस कुछ ही जैसे न्यूट्रासिटिकल बेक फूड ही रह चुके हैं जो कि इस वक्त सेल में चल रहे हैं, क्योंकि बेक प्रोडक्ट तो ज़्यादातर कोई खा ही नहीं रहा क्योंकि COVID-19 के डर से, क्योंकि ब्रेड तो मेरे को लगता भी कोई खा रहा होगा। अगला अपडेट आ गया है नू शक्ति को लेके। नू शक्ति एक फूड इंडस्ट्री है, तो उन्होंने एक कैंपेन निकाला था जिसका नाम रखा था उन्होंने कि पुट इम्यूनिटी फर्स्ट, # पुट इम्यूनिटी फर्स्ट, पहले अपनी इम्यूनिटी फिर बाद में काम। और बाद में कहा था कौन कौन सी इम्यूनिटी बूस्ट फूड होते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं कह रहा था कि आपको एक वीडियो बना के दूं पर्टिकुलर जिससे आपको पता लग जाए कैसे आप कुछ कुछ फूड को खा के अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं।
तो क्या लगता है अपना गाइस? तो आपने थॉट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। तो अगला अपडेट आता है गाइस एक स्टडी को लेके, जिस स्टडी में गाइस अब कैडबरी के बारे में कुछ बताया गया है गाइस। कैडबरी को तो आपने गाइस सुना ही होगा, उसका बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है जो डेयरी मिल्क। कैडबरी गाइस एक तरह की इंडस्ट्री है जो कि चॉकलेट इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पुश हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो गाइस सेकंड नंबर पे आती है चॉकलेट इंडस्ट्री, और पहले पे आती है हमारी मार्स व्रिंगले, आपने सुना ही होगा उसके बारे में, जिसका मशहूर ब्रांड है स्निकर्स। क्या करा है कि इंडिया में बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना साधन बना लिया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस अपना क्रिएट कर लिया। अबाउट 70% ऑफ चॉकलेट का मार्केट कैडबरी के पास, और 30% जो चॉकलेट का मार्केट हमारा नेस्ले की तरफ है। उनका बिग कॉम्पिटेटर है वो, इनको नेस्ले को भी हटाना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो गाइज अगला अपडेट आता है हमारा पार्ले जी को रिलेटेड। गाइज पार्ले जी तो गाइज आप सभी ने खाए होंगे बचपन में, हम भी खा रहे हैं अभी भी खाते रहेंगे। तो गाइज पार्ले जी की एक बहुत ही अच्छी स्टडी आई है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पार्ले जी ने अपना 5 से 10% प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लिया है। मतलब कि ये पार्ले जी अपना पार्ले जी ने मतलब कि पार्ले कंपनी है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट पार्ले जी बेच बेच कर ही अपना जो कंपनी का टर्नओवर है वो इंक्रीज कर लिया है, प्रॉफिट में आ चुके हैं। क्यों? तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर वक्त यूज होता है। मतलब कि जब अपेंडेमिक्स पड़ती हैं, मतलब कि अर्थक्वेक आ गया या कहीं फ्लड्स आ गए, तो हमेशा आप देखा जाएगा तो अब पार्ले जी के बिस्कुट हर किसी को दिए जाते हैं उस वक्त। इस वक्त भी जो माइग्रेंट एक एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उन्हें भी पार्ले जी के पैकेट देते हैं, क्योंकि उसमें गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और उन्होंने कहा है कि कुछ इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टिंग प्रोडक्ट भी है उसके अंदर, जिसके उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है। तो करके पार्ले जी अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा जो कमा चुकी है। अपडेट आता हमारा नेस्ले की तरफ से। तो नेस्ले की तरफ से गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आया, मतलब फैक्ट क्या स्टडी आई है, तो उसमें बताया गया है कि नेस्ले का जो मशहूर चॉकलेट ब्रांड है जिसका नाम है किट कैट, जो कि वर्ल्ड वाइड तो बहुत ही बिकता है और इंडिया में चल थोड़ा कम बिकता है पर बिकता पूरा है, पर उनका कहना था कि नेस्ले अपनी पूरी वर्ल्ड वाइड में किट कैट एक सेकंड में 650 बेच रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। गाइस अगला अपडेट आता है हमारा शेक इट ऑफ एक स्टार्टअप को लेके। गाइस ये गाइस स्टार्टअप है जो कि दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने स्टार्ट करा था। ऐसी बातें करते करते कंटीन में बात करते करते उन्होंने सोचा कि एक बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। दुबई गए, वहां पे उन्हें कुछ शेक मिला, उन्होंने कुछ शेक का नाम रख दिया शेक इट ऑफ। तो इस वक्त वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, स्थान बना चुकी है, कुछ मिल्क शेक में अलग पर्टिकुलर स्पेस बना चुकी है। गाइस आज के अपडेट का आखिरी अपडेट आता है कि एक स्वीट को देखिए। गाइस आपने एक स्वीट सुनी होगी जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है इस वक्त। गाइस भी एक बंगाल की स्वीट डिश है, स्वीट क्या स्वीट मिठाई है, बंगाल की एक स्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम वो 15 इम्यूनिटी बूस्ट हर्ब्स को यूज करते हैं अपनी ये मिठाई के अंदर, और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। और उसका ये प्राइस बता रखा है कुछ 25-26 रुपये पर पीस है, एक पीस का प्राइस 25-26 रुपये। हम आपको फोटो इधर डाल दूंगा। तो गैस बस यही थे आज के अपडेट। और जो है मैंने आपको कहा है कि 3 क्वेश्चन, एक मेरे को बताना कि लॉकडाउन वाला, दूसरा मुझे बताना कि आपको वीडियो चाहिए मीट इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं चाहिए, इस वक्त क्या चल रहा है, प्रेजेंट कौन से क्या सिचुएशन चल रही है मीट इंडस्ट्री की, पूरी स्टडी में लेके आऊंगा, पूरी जनरेट करूंगा और फिर अच्छी तरह फुल प्रूफ लेके आऊंगा, हवा में बातें नहीं करूंगा। और तीसरा आपसे मैं कह रहा हूँ कौन से ये आपको फूड मटेरियल चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो वैसे बस यही मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है, पूरी कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, मुझे क्या मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कैसे मुझे आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, जाइए वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। तब तक के लिए जय हिंद।